पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक न जाए। उकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। जल्दी रहे ये जिंदगी। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक, जिसने रोशन की आपकी दुनिया और सब चलाया है बेफिक्र। अब माइक्रोटेक 16 प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नए रंग भर रहा है। माइक्रोटेक घर में जो नया वाटर प्योरिफायर लगा है ना, वो तो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। तो आज से जियो और जुग जुग पियो। नशा का ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। यूपी विधानसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास हुआ अनुपूरक बजट। सीएम ने अनुपूरक बजट को बताया सबसे बड़ा बजट। हंगामे को लेकर सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। शिवपाल यादव की नई सियासी पारी, अखिलेश का तंज, कहा चुनावी सीजन आते ही बढ़ने लगती हैं ऐसी चीजें। लखनऊ में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों का हल्ला बोल। कर्मचारियों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन करके आक्रोश जताया, कहा अनदेखी पर करेंगे बड़ा आंदोलन। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर मुंबई दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुंबई में मुकेश अंबानी के साथ सीएम रावत ने बातचीत की। निवेश के लिए उद्योगपतियों को लुभाने में जुटे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने चल रही बगावत एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। लंबे समय से पार्टी में अनदेखी के शिकार हो रहे शिवपाल यादव ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव का यह दावा है कि मुलायम सिंह यादव भी इस मोर्चे से जुड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव ने हाल ही में एक जन्मदिन समारोह के दौरान पार्टी में अपनी अनदेखी का दुख जताकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया था, जिससे शिवपाल के दावे में थोड़ा दम नजर आ रहा है। उधर शिवपाल यादव के इस ऐलान पर अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी से तो मैं भी नाराज हूं, लेकिन मैं कहां जाऊं। अखिलेश ने इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ होने की आशंका जताई है। अखिलेश के मुताबिक जब भी चुनावी मौसम आता है, चुनावी सीजन आता है, तो इस तरह की चीजें बढ़ने लगती हैं। इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी खेमे में खूब हंगामा हुआ था, हम और आप जानते हैं, देखा भी था। पार्टी में चल रही कलह की वजह से चुनाव में बुरी तरह से समाजवादी पार्टी को हार मिली थी, और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं तो ये कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसका मजबूती से मुकाबला करने की बात कही है। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में कलह का राज क्या है? क्या यह सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी को नुकसान पहुंचाने और अखिलेश यादव को डिगाने की कोशिश है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के इस बिखराव का सीधा नुकसान अखिलेश को होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव बीएसपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जब अखिलेश अपनी ही पार्टी में बिखराव को नहीं रोक पाएंगे तो उनके सहयोगी दल गठबंधन में उन्हें कम तवज्जो देंगे। सीटों के बंटवारे पर भी इसका असर पड़ सकता है और विपक्ष फिर कमजोर हो सकता है। उधर आज सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही अनुपूरक बजट पास हो गया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि विपक्ष अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सदन से वॉकआउट कर रहा है, इससे जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं। सीएम के मुताबिक बीजेपी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में ज्यादा काम किया है, लेकिन विपक्ष उसे सहन नहीं कर पा रहा है। आज के प्राइम एजेंडा में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 2019 में विपक्ष का स्वरूप कैसा होगा। ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये जो स्थितियां सामने आ रही हैं, उसके बाद
क्या वो मजबूती से चुनाव में उतर पाएगा या फिर आपसी उठापटक में ही फंसकर बीजेपी के लिए जीत का खुला मैदान छोड़ देगा। कई खास मेहमान हमारी आज की डिबेट में है, जल्दी से हम परिचय करा दें। दो सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हमारे साथ हैं आज, आरबी उपाध्याय साहब हैं और प्रद्युम्न तिवारी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है दोनों ही मेहमानों का। हमारे साथ के शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। आशीष सिंह राजा जी हैं, आप शिवपाल यादव समर्थक हैं। और विभा शुक्ला जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आशीष सिंह राजा जी अभी नहीं आए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हम जल्दी से ये जो हो रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर, इस पर टिप्पणी ले लें, तब तक संभवतः वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, डिबेट में आ जाएंगे। आरबी उपाध्याय साहब, ये क्या है, ये घटनाक्रम क्या बता रहा है, क्या इशारा है? हमने देखा चुनाव के परिणाम जो रहे वो रहे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चाचा भतीजे मिले, आशीर्वाद दिया गया, पैर छुए गए, नेताजी भी आए, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, है ना। लेकिन फिर एक बार वो चीजें सतह पर हैं और आज तो क्लियर कट शिवपाल यादव ने ऐलान ही कर दिया कि वो समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाएंगे। ये क्या है, ये सिर्फ मनमुटाव तक है, ये सिर्फ सम्मान की लड़ाई है, या फिर अब वाकई रास्ते बहुत अलग हो चुके हैं, आप कितना ही पाटने की कोशिश करें ये एक होने वाले नहीं है, क्या स्थिति? देखिए राजीव जी, विगत में आप देखेंगे जब अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो वर्चस्व की लड़ाई तभी से शुरू हो गई थी, और ये जो देखने को मिल रहा है वो सब वर्चस्व की लड़ाई का ही एक बहुत बड़ा कारण एक्चुअल में है। और सभी पार्टियों में देखिए, कोई भी लीडर है जो राजनीति कर रहा है उसका भी कहीं ना कहीं अपनी एक इच्छा होती है। तो मेरे ख्याल से शिवपाल यादव भी शुरू से, जब से समाजवादी पार्टी बनी जी, तो बहुत बड़ा योगदान उसमें उनका रहा है, और आज जो मजबूत पार्टी खड़ी है उसकी नींव को एक्चुअल में भरने का काम। और देखिए, जो जहां तक मुझे है कि शिवपाल यादव का हर वर्कर के साथ नाम लेके और पर्सनल एक रिलेशन एक्चुअल में, वो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती प्रदान करते थे। अब आपने पीछे इलेक्शन का कहा कि 2017 में जो हालात थे कि भी झगड़ा हो रहा है रोज, फिर भी मीडिया में इतना बहस हो रही है, उसके बाद फिर एका हो रहा है, तो उसका नुकसान पार्टी को हुआ। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी संगठन है, जब आपस में बिखराव होगा, झगड़े होंगे और वो यहाँ अभी बाहर आएंगे निकल के, तो बट नेचुरल जो कार्यकर्ता है वो भी बड़ी असमंजस की स्थिति में हो जाता है, क्यों कि वो पार्टी का कार्य करता है। जब उसको बांटा जाता है कि ये शिवपाल का आदमी है, ये अखिलेश का आदमी है, ये नेताजी का आदमी है, तो वो काम करने की मनस्थिति उसकी वो नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए, तय नहीं कर पाता वो कि क्या करे, किस तरह क्या करे। देखिए, वो तो पार्टी के लिए काम कर रहा था, उसके ऊपर फिर मोहर लग जाती है, वो फिर उसका वर्कर हो जाता है। और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने भी वो कोशिश की कि भी पार्टी में वर्चस्व के लिए जो उनके फॉलोअर्स थे उनको ज्यादा से ज्यादा पदों पर बिठाया जाए, और वो तो वो एक दबाव की राजनीति पैदा करना चाहते थे। लेकिन अखिलेश जिस तरह से निकल के आए उस तरीके से वो कहीं देखिए पचा नहीं पाए, चाहे आजम खान रहे हो चाहे ये रहे हो। जिस दिन चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सबको ये लगने लगा था कि भी वो बच्चा है और मैं चाचा हूं, मैं चाचा रहूंगा, तो वो असहज स्थिति वहीं से शुरू हुई और आज उसकी परिणति आप देख रहे हैं। लेकिन अब तो गंगा में काफी पानी बह चुका है, उस चीज को लेकर या उस चीज को पकड़कर अब तक बैठे हुए हैं। वो 2012 का जमाना था, पूरी सरकार चल गई, फिर चुनाव हो गया, चुनाव में आप सत्ता से बाहर हो गए, तो क्या वो गांठ अभी भी बंधी हुई है? देखिए, दो चीज निकाले नहीं निकल रही है मन से। देखिए, दो चीजें हैं, जहां हर आदमी का, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में ये नहीं कह सकती वहां जो भी नेता हैं वो अपने अपने वर्चस्व के लिए, अपने अपने आप को एक वर्चस्व कायम करने के लिए समय समय पर इस तरह के प्रयोग करते रहे। मान लीजिए बीजेपी को लें तो वहां भी लाल कृष्ण अडवाणी, शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत सारे आप देखेंगे यशवंत सिन्हा, बहुत सारे नाम हैं जो बेचारे उस तरीके से वो चाहते थे, वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं अभी उस पर उतारू हो जाते हैं कि उनकी नीतियों का और उन सबका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो शिवपाल जी का था कि जब तक सत्ता में रहे तो वो अभी एक अच्छा डिपार्टमेंट, एक अच्छा पद, एक मलाईदार वो औहदा, वो सारी चीजें मिलती रहे, उसके लिए दबाव बनाते थे कि मैं अध्यक्ष बना दिया जाऊं। और उसके बाद जब वो पार्टी सत्ता में ही नहीं रही तो अब वो चाहते हैं कि जो अखिलेश का कद है उससे बराबर भी ऊंचा कद मेरा होना चाहिए, ऊंचा नहीं तो कम से कम बराबर तो हो। तो वो कहते हैं कि अभी काम नहीं है, अब हमें अभी काम कहां मिलना चाहिए, जब पार्टी सत्ता में ही नहीं है, संगठन का काम है, कोई रोक नहीं रहा, आप करिए, कौन उससे गुरेज कर रहा है। मान लीजिए आप सेकुलर मोर्चा बनाएंगे,
वहां भी लोगों से बात करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, तो वो समाजवादी पार्टी के लिए भी कर सकते थे। और मैं जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि भाई सब लोग मिलकर अगर मान लीजिए भाई संगठन को मजबूत करते, पार्टी को मजबूत करते, तो पार्टी अच्छे परिणाम दे सकती है। और बीजेपी को दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी में दम है, तो उसको किस तरीके से विघटित किया जाए वो हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी चाहता है। अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया ही, हम इस पर भी आएंगे कि अखिलेश यादव आखिर किस बेस पर ये कह रहे हैं, इस सब पर हम जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि के शुक्ला जी विभा जी को हम जोड़े, हम जल्दी से यहां प्रद्युम्न तिवारी जी को लाना चाहते हैं। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और एक जमाना हो गया, एक अरसा हो गया लखनऊ में राजनीति को देखते हुए। प्रद्युम्न तिवारी जी, सर कैसे देखें इस पूरे एपिसोड को? ये क्या है, ये अभी भी कोई सत्ता की लालसा है, ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, ये क्या है, मतलब क्यों बात नहीं बन रही है? अब तो देखिए सारी चीजें ओवर है, पार्टी संवैधानिक तौर पर अखिलेश यादव के पास है, वो उसके पदेन अध्यक्ष हैं, है ना, अब तो कैसी कोई स्थिति बची नहीं है, सत्ता चली गई है। ऐसे में शिवपाल यादव का ये आरोप कि मेरी उपेक्षा हो रही है, और समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बना लेना, क्या शिवपाल यादव बीजेपी के कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं, या फिर उनके मन के भीतर कोई बहुत गहरा आघात है जो उनसे बार बार थोड़े थोड़े समय पर यह करवा रहा है? राजीव जी, ये तो निश्चित है कि शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव के बीच में जो गांठ पड़ी थी वो गांठ तो नहीं खुली है। ये बीच बीच में होता रहा है कि कभी रामगोपाल जी आ गए तो बड़े भाई और छोटे भाई के नाते पैर छू लिए और फिर पारिवारिक समारोह में शामिल हो गए, ये एक अलग चीज होती है। देखिए अभी यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें शिवपाल सिंह यादव को पूछा तक नहीं गया। शिवपाल सिंह यादव ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है और उपेक्षा की भी जा रही है, ये सत्य है। शिवपाल सिंह यादव जी ने भी 4 महीने पहले इसी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा की गठन की बात कही थी, लेकिन तब वो ठंडे बस्ते में बात लगा था कि चली गई है। लेकिन जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं करीब, उससे ये बहुत ही साफ है कि एक तरह से ये प्रेजेंट प्रैक्टिस भी कही जा सकती है कि दबाव हो सकता है कि साहब अब अगर अखिलेश यादव ने नहीं, और देखिए बड़ी बहुत क्लियर चीज है ये, अगर ये समाजवादी सेक्युलर मोर्चा गठित कर लेते हैं अपना और इलेक्शन में अलग थलग होते हैं, तो इससे अखिलेश यादव जी के लिए और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही गलत संदेश जाने वाला है। और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं में कमजोर साबित होंगे। आज अगर मायावती जी उनसे ज्यादा सीटें मांग रही है और उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, उस समय ये स्थिति होगी कि मायावती जी और हावी होंगी। और देखिए बड़ी क्लियर चीजें होती हैं, आप कल्याण सिंह को याद करिए, 2000 में जब वो 1999 में जब वो पार्टी से अलग हुए थे और 2002 के चुनाव में उन्होंने अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ा था, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनसे मेरी बाद में इलेक्शन के बाद में मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने माना कि कल्याण सिंह उस समय अपने केवल 4 MLA जिता पाए थे, उसमें उनका बेटा था एक और बहू और 2 MLA और जिता पाए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी करीब 70 सीटों पर नुकसान किया था, जिससे भाजपा सत्ता में वापस नहीं आई, 100 सीटों पर सिमट गई थी उस समय। यही शिवपाल सिंह जी की हालत होगी। और शिवपाल सिंह जी ऐसा नहीं है, शिवपाल सिंह जी जब अलग हुए हैं तो अभी उपाध्याय जी भी कह रहे थे कार्यकर्ताओं में जो भ्रम की स्थिति बनती है ये बड़ी खतरनाक होती है। और शिवपाल जी का एक आधार रहा है पार्टी में, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में आधार रहा है। मुझे याद है 2003 में जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने यहाँ पे पर्दाफाश रैली की थी, 149 मुकदमे कायम किए थे समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, के साथ इन लोगों ने इतने इतने अनुदान बांट दिए और ये सब गैर जरूरी लोगों को बांटे हैं। उस समय अकेले शिवपाल जी इसी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठ करके मोर्चा लेते थे जी। पुलिस जाती थी, वो हर तरह से फेस करते थे। पार्टी को बढ़ाने में योगदान किया उपेक्षा है, नए नए लोग, क्या ये सिर्फ उपेक्षा है जिससे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया है, या फिर एक नेता के तौर पर, राजनेता के तौर पर शिवपाल यादव को ये लगता है कि ये सही मौका है, वो पुराना हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं, कोई प्रतिशोध भी है क्या भीतर? जी देखिए दोनों चीजें होती हैं,
जी जी कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रतिशोध तो होता ही होता है। जिस आदमी की लगातार उपेक्षा की जा रही होगी, जिस आदमी को लगातार अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है, वो आदमी कहीं ना कहीं तो फिर मौके की तलाश में रहता है और ये मौका उनको लग रहा है। देखिए तमाम चीजें यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि साहब वो बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शिवपाल सिंह जी भी जानते होंगे अगर राजनेता हैं तो बीजेपी में जाने से वो उनका एक तरह से आप समझिए कि राजनीतिक रूप से खात्मा हो जाएगा, वो हाशिए में बिल्कुल चले जाएंगे और अखिलेश यादव जी को कहने का मौका मिल जाएगा कि मैं तो चाचा से पहले ही इसीलिए सावधान था कि चाचा जो है वो खिचड़ी पकाता था कि भाजपा से जो है हम यही पहले ही किनारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, कर दिया। हम आते हैं चाचा ये मौका भतीजे को देंगे, मुझे नहीं लगता। और विभा होगा जोड़ लें, के शुक्ला जी और विभा शुक्ला जी को जोड़ लें। और आज तो विभा जी से ज्यादा बात करने का दिन है क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर उनके बड़े नेता ने एक तरह से ये बड़ा कदम उठाया है, वो भी चुनावों से ठीक पहले। विभा जी कैसे इसे देख रही हैं और ये जो विश्लेषण हो रहा है, इस विश्लेषण से आप कितना इत्तफाक रख रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि शिवपाल यादव का राजनीतिक भविष्य चाहे जो भी हो, दो जीते, दस जीते, पचास जीते, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को जरूर ठिकाने लगा देंगे 2019 में? यानी उनका खेल बने न बने आपका खेल बिगाड़ देंगे, ये आशंका दोनों ही पैनलिस्ट जाहिर कर रहे हैं। कितना सहमत है आप इससे? देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2019 की तैयारी में है और 2019 की जो उनकी रणनीति है समाजवादी पार्टी को निश्चित ही उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। और जो भी हमारे दोनों बड़े भाइयों ने कहा है उस वो उनकी राय होगी व्यक्तिगत, बट हम लोग अपनी पूरी तैयारी से हैं, पार्टी का पूरा संगठन तैयार है 2019 की तैयारी के चुनाव के लिए। और दूसरी बात जहाँ तक सेकुलर मोर्चा बनाने की बात है शिवपाल जी के ऊपर, तो प्रजातंत्र है, सबको अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है, जो जिस हिसाब से अपना काम करना चाहता है वो कर सकता है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैम आज तो विषय ही शिवपाल यादव का है, हम आपसे जानना ये चाहते हैं, आपने कहा कि 2019 की तैयारी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, ये कैसी तैयारी है जिसमें परिवार का एक बड़ा सदस्य और पार्टी का एक बड़ा नेता पार्टी छोड़कर समाजवादी सेकुलर मोर्चा बना लेता है? तो आपको नहीं लगता कि इससे तैयारी पर क्वेश्चन मार्क लगता है? इससे सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जा रही है, ये एक इशारा जाता है? देखिए सबसे पहली बात मैं कहूंगी कि सियासत में ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी का कोई नेता कहीं अलग होकर पहली बार गया है। ये आए दिन आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा कि बहुत से दल के लोग इधर उधर जाते रहते हैं। मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी से है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूरी रणनीति अपनी तैयार कर ली है 2019 में, और निश्चित समाजवादी पार्टी बड़ी सफलता प्राप्त करेगी और बीजेपी को रोकने का काम करेगी 2019। अच्छा विभा जी देखिए आप तो प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती होगी जो हमें नहीं होती होगी, हमें बताइए कि पेच कहां फंसा है, आखिर आप अपनी पार्टी के इतने बड़े नेता को मना क्यों नहीं पा रही हैं? ये तो वो मौके होते हैं जब दूसरी पार्टी से आदमी ले आता है ना, कोई भी अभी खूब ये खेल चलेगा, आप तो जानती हैं कि कोई भी शामिल होना चाहेगा कहीं से भी, बीएसपी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, तो सारे राजनीतिक दल एक दूसरे की पार्टी से आए हुए लोगों का स्वागत करते हैं। ये पेच कहां फंसा है, इस बार बात कहां बिगड़ी है? क्योंकि हमारी समझ में अब तो चीजें ओवर हो गई, क्या सिर्फ प्रतिशोध की वजह से बात बिगड़ रही है? कोई मान मनोवल हो रहा है क्या पार्टी के भीतर? देखिए मैं फिर कहूंगी कि दो विचार अलग अलग हैं, परिवार में कोई मतभेद नहीं है। मैं कहूंगी कि दो राजनेताओं के
काम करने के तरीके अलग है, अखिलेश जी एक अलग तरीके से सोचते हैं, उनके काम करने की शैली अलग है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि शिवपाल जी की विचारधारा उनसे कहीं ना कहीं टकराई है, तभी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और फिर मैं कहूंगी कि समाजवादी पार्टी 2019 में काफी जो है पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने का काम करेगी। इसका बहुत ज्यादा असर या हम लोग पूरी तैयारी से रहेंगे करेंगे, पूरी मेहनत से। अच्छा, जो कैसे विभाजित कैसे रोक पाए अखिलेश यादव जी के 2019 में आप बीजेपी को कैसे रोक पाएंगे जब आप अभी नहीं रोक पा रहे, अभी वो आपके घर के भीतर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखिए कल तक खूब ये चर्चा थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो पहुंचे नहीं, सारी बात हो गई। इस तरह की खूब चर्चाएं पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन अंततः और आज इशारा किया ही अखिलेश यादव जी ने कि साहब ये सब बीजेपी करा रही है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे आप देखते जाइए और क्या क्या होगा। तो जब आप बीजेपी को यहां नहीं रोक पा रही है तो आप कैसे मुतमईन है इस बात के लिए कि आप 2019 में बीजेपी को रोक लेंगे? लेकिन मैं एक चीज कह दूं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, आपने कहावत सुनी होगी, वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। तो जनता के द्वारा किए गए वादे बीजेपी ने बिल्कुल पूरे नहीं किए हैं। 16 महीने की उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के कार्यकाल है, जनता उससे परेशान है। तो जनता खुद इनसे मुक्ति चाहती है और एक स्ट्रैटेजी की तरफ, जैसे हमने फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, नूरपुर जीता है, वैसे ही अखिलेश यादव जी की कार्यप्रणाली या रणनीति के द्वारा हम 2019 भी समाजवादी पार्टी जो है जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी वर्चस्व कायम होगा उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, हम फिर आएंगे कुछ और सवाल लेकर आपके पास, क्योंकि अब ये जानना चाहते हैं कि पेच कहां फंसा हुआ है, क्या दोनों ही जगह बात ईगो पर है, कोई झुकना नहीं चाहता है ना, और विचारधाराओं का मतभेद तो आपने अभी मान ही लिया और वो दिख भी रहा था काफी पहले से। के शुक्ला जी, सर बहुत सीनियर लीडर है आप बीजेपी में, ये आरोप लग रहा है आज अखिलेश यादव जी ने, ये आरोप लगाया, थोड़ा इशारों में ही लगाया लेकिन लगाया कि चुनावी मौसम में देखते जाइए क्या क्या होगा, और आजकल चुनावी मौसम में जो भी तोड़फोड़ की बात आती है वो आप ही के पास आकर रुक जाती है। तो क्या ये जो बड़ी तोड़फोड़ हुई है के शुक्ला जी, इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है? ये जो समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बना है, इसकी उपज कहीं बीजेपी से ही तो नहीं हो रही है? देखिए राजीव जी, इस संदर्भ में जो समय समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और वहां उठा पतक चल रही थी, तो कई बार आपके चैनल में भी और बहुत से टीवी चैनलों में डिबेट हुई जी, और मैंने हर जगह कहा था और आपको भी याद होगा कि आपके चैनल में भी कहा था कि ये जो पारिवारिक लड़ाई चल रही है, ये वास्तव में ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो क्षेत्रीय परिवार पर आधारित हैं, ये पॉलिटिकल कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के तरह काम करते हैं। यहाँ पर कोई अभी विभागीय विचारधारा की बात कर रही थी, तो वास्तव में न तो शिवपाल जी की कोई विचारधारा है और न ही अब एक बात पूरा हो जाए विभागीय आएंगे, शुक्ला जी बोल रहे हैं बताएंगे। एन केन प्रकार एन केन प्रकार कैसे हम अपनी राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर लें और उस पर कब्जा कर लें। अब अगर आप देखें, मैंने पहले भी कहा है कि आप बिरला घराना देख लीजिए, आप कोई भी बिजनेस घराने देख लीजिए, अभी अनिल अंबानी घराना देख लीजिए, वहां संघर्ष होता है सत्ता व्यापार में कब्जा करने का जब परिवार के मुखिया स्थिर हो जाते हैं और कोई न कोई आदमी उसमें से उठता है, अलग होता है, क्योंकि सबका उद्देश्य है कि हमको बिजनेस में कैसे कब्जा किया जाए। ये भी बिजनेस हितों का ख्याल है। शिवपाल जी को कोई काम नहीं मिल रहा, जैसा अभी हमारे तिवारी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि मलाईदार विभाग नहीं मिल रहा, कहीं उनको कोई ऐसी वो नहीं हो रहा। और जिस समय संघर्ष चल रहा था उस समय मैंने कहा था कि ये पार्टी के विघटन का प्रारंभ है और ये निश्चित रूप से तब से वैसे ही चल रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग अपने आप अपने घर के में आग लगा करके तमाशा देखने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको अगर मलाई खाने नहीं मिलेगी तो बीच में बोलते हैं कि ये सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। समाजवादी पार्टी
जवाब दीजिएगा लेकिन उनकी बात खत्म हो जाए। शुक्ला जी बोलिए, हमारे अभी अभी हमारे वरिष्ठ अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी अडवाणी जी का नाम ले रहे थे और तिवारी जी ने कल्याण सिंह जी का नाम लिया। देखिए जो वैचारिक संगठन है, जिनके जो वैचारिक आधार पर बंधे हुआ संगठन है, उनके नेताओं की एक वो रहती है कि हम विचार से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति से नहीं। हम निजी स्वार्थों से उभर उठकर एक वैचारिक आंदोलन के में जुड़े हुए हैं। अडवाणी जी की उपेक्षा अगर हो भी रही है जैसा लोग कह रहे हैं, वैसे मैं नहीं मानता हूँ, तो अडवाणी जी पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। कल्याण सिंह जी को पार्टी छोड़ के नहीं जाते। कल्याण सिंह जी पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए थे। कल्याण सिंह जी पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए थे और चूंकि ये सब वैचारिक संगठन से जुड़े लोग हैं, तो जब ये पार्टी से निकाले जाते हैं तो तड़पते रहते हैं कि जैसे ही मौका मिले पार्टी में फिर वापस आ जाएं। और कल्याण सिंह के अभी निष्कासन खत्म हुआ तो पार्टी में उनको सम्मान काम दिया और पार्टी में वो वापस आए। अडवाणी जी हो या और कोई नेता हो जो वैचारिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, जो इधर उधर से आते हैं एक निजी स्वार्थ के लिए, वो तो अपनी पूर्ति में होने पर चले जाएंगे। वैचारिक रूप से जुड़े हुए लोग अभी पार्टी और विचार से अलग नहीं होते। और इस संदर्भ में उदाहरण है, या तो सीपीएम सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टियां या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां वैचारिक आधार पर काम करती हैं। उनका एक विचार है, या मोदी जी नेता हो, अटल जी नेता हो, या कल्याण सिंह जी नेता हो, या कोई भी एबीसीडी नेता हो, हम भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक आधार से बदले हुए लोग हैं। हमें कोई राजनीतिक लाभ मिला नहीं। हम इस पार्टी के विवादी अब आंसर करिए, अब जवाब दीजिए। के शुक्ला जी विवादी जवाब देना चाहती, विवादी जवाब दीजिए फिर हम लोग। देखिए देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि उस तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है, तो बेशक ये के शुक्ला जी की शकल पे इतनी जो खुशी दिख रही है या इनकी पार्टी पे, वो सचमुच इन्हीं लोगों का हाथ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये बहुत चिंता कर रहे हैं आडवाणी जी, जो है प्रधानमंत्री जी के सामने, कभी प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी को गुरु माना करते थे, आज अपने गुरु का किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है मोदी जी ने गला काटा है पूरी दुनिया के शुक्ला जी। आप जो है शरण करिए, अपने बातों पर शरण करिए, आप शरण करिए, आप शरण करिए, आप शरण करिए। दूसरी बात मैं ये कह, इनकी सुनिए, इनकी इतनी बड़ी विचारधारा है कि रातों रात नोटबंदी कर देते हैं, ये इनकी इतनी बड़ी विचारधारा है कि चंद उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री जी पूरे 4 साल घूमते रहते हैं और विदेशों में 10-10 लाख रुपए का सूट पहन के जाते हैं। ये बात घुमा रहे हैं। देखिए आज आज की समाजवादी पार्टी पर बात होगी, बात आप घुमा रही है। के शुक्ला जी ने कहा कि ये आपकी पार्टी एक व्यापारिक घराने की तरह काम कर रही है, यहाँ विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ हित स्वार्थ और लालच की लड़ाई है। कभी पार्टियों में जहर घोलते हैं लेकिन जनता का कोई काम के शुक्ला जी के पास की बात नहीं है। जनता का कोई काम ये लोग नहीं करते। इस सवाल को आंसर करना चाहिए, इस सवाल को आंसर करना चाहिए कि के शुक्ला जी ने कहा कि आप कॉर्पोरेट घरानों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप अमर सिंह को प्लान करते हैं। विभाजी विभाजी के ऊपर आप रहम खाइए राजू जी, इनको आप फंसाइए नहीं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे के शुक्ला जी, हमारे ऊपर आप रहम ना खाइए, आप रहम खा जाएंगे तो हम लोग सचमुच मिट्टी में मिल जाएंगे। हम चलिए आप लोग थोड़ा और सोचिए, आप सोचिए विभाजी, हम तब तक उपाध्याय जी और तिवारी जी को जोड़ते हैं। ये बताए सर कि क्या वाकई ये जो तस्वीर हमें दिख रही है, आज जो स्थिति है, वो राजनीति में सेवा भाव अलग और अपनी महत्वाकांक्षा सर्वोपरि है, क्या ये उसी की स्थिति है? देखिए साहब, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा तो फिर हमारी और आपकी नहीं बनेगी, यहां कोई विचारधारा की बात नहीं, ऐसी स्थिति है आज। देखिए जस्टिफाई सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं कि भाई हम वैचारिक पार्टी, हमारी एक विचारधारा है, लेकिन जहां सत्ता का मामला होता है देखिए वहां स्वार्थ और महत्वाकांक्षाएं। मैं मानता हूँ हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और राजनीति में जो आया है तो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लेके आते हैं, तो
कहीं ना कहीं जो परिणति है वो यही है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन जिस दिन भी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया था, प्रांत किया गया था, उसी दिन से वो चीजें शुरू हो गई थी। क्यों? देखिए, असहज स्थिति हो जाती है कि भी हम बड़े हैं और बड़ों के सामने छोटे बच्चे को एक भी प्रमुख बना दिया जाए तो उस बच्चे के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक्चुअल में आता है, वो मुख्यमंत्री बना। लेकिन उसी दिन से असहज स्थितियां पैदा हो गई थी और उस पर फिर तरीके से देखें आप कि जगह जगह भी इनका वर्चस्व कायम न हो तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए या काम न देने के लिए जिस तरह की भी बातें हैं। हाँ, मैं शुक्ला जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक हो जाती है ना, तो पारिवारिक होने के बाद में परिवार में से ही देखिए, अगर ये कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो सहज एक्सेप्ट कर लेता अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व को, लेकिन चूंकि पारिवारिक पार्टी थी और परिवार में से ही एक बच्चे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और बुजुर्ग को दरकिनार कर दिया गया। अभी कल परसों खुद मुलायम सिंह जी ने कहा है भी असहज स्थिति, उनका जो बयान आया है कि भी सम्मान मतलब नहीं है, उसके बाद ही ये सेकुलर मोर्चा का एक्चुअल में आप दूसरा कदम देख रहे हैं, ये उसी कहीं से जुड़ता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, हर आदमी मैं ये कहता हूं कि राजनीति आजकल बिल्कुल व्यवसाय बन गई है, चाहे शुक्ला जी माने या न माने, कोई भी समाज सेवा राजनीतिक दल के लिए, हर राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अरे करोड़ों रुपए खर्च करके भी इलेक्शन में टिकट खरीदता है, फिर करोड़ों रुपए खर्च करता है इलेक्शन लड़ने में, वो लेके कहां से आता है? बड़ा क्लियर सिस्टम है यहां पर कि भी जो फंड है उसमें से 10% आएगा, उसमें 10% आएगा, खाद्य विभाग इतना देगा, बागवानी विभाग इतना देगा, कहां है ये सब? ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें हर आदमी को पता है, ये नहीं है कि भी कहीं कोई छुप गया है। अरे राज्यसभा में बोला गया कि भी इतने पैसे खर्च करके और टिकट लेके वो 100 करोड़ रुपए लगते हैं सीट के लिए, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने ये कहा, मैं वही बता रहा हूँ। तो कुछ भी छुपा नहीं है, कहाँ है पब्लिक सेवा? तो सर एक सवाल, आपने नेताजी का जिक्र किया, मुलायम सिंह यादव का, उनकी भूमिका को इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर से आप कैसे देख रहे हैं, नंबर वन? नंबर टू, शिवपाल यादव ने यह दावा किया कि नेताजी भी हमारे साथ आएंगे, इस बात की कितनी गुंजाइश है? ये 2-3 दिन पुरानी पीड़ा जिसका आपने जिक्र किया कि साहब मेरा सम्मान नहीं हो रहा है ना, और आज की स्थिति, इसमें नेताजी की भूमिका क्या है? देखिए, जहां तक बचेंगे जाएंगे, खुलकर जाएंगे शिवपाल यादव के साथ, क्या? देखिए, अभी तक का जो हो रहा है, देखिए बहुत राजनीति का तजुर्बा है नेताजी को, नेताजी कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ के, हम लोग समझ पाए या न समझ पाए, हमारी समझ से परे हो सकता है, लेकिन उसका उनका जो आकलन होता है बिल्कुल सतही होता है। देखिए, अभी कल परसों उनका बयान आया, उसके बाद में ही आपने देखा कि भी सेकुलर मोर्चा का दूसरा कदम है ये, पहला कदम उनका होता भी सम्मान नहीं है बुजुर्गों का, और दूसरा ये भी सेकुलर मोर्चा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये स्थिति तभी पैदा हुई है, अगर वो ये कहते कि भी नहीं नेताजी के, अगर मान लो इनका अभी खंडन कर दें सेकुलर मोर्चा, ये कुछ नहीं है एक्चुअल में, जो पार्टी है उसको मजबूत करें, तो ये मेरे ख्याल से शिवपाल जी का भी इतना हौसला नहीं बढ़ेगा कि वो इस तरह से अभी पब्लिकली अनाउंस कर दें और ये कह दें कि भाई नेताजी भी हमारे साथ होंगे। कई बार, चाहे पिछड़ा झगड़ा हो, आपने देखा होगा, तो कई बार नेताजी का ये लगता है कि भाई शिवपाल जी के साथ हैं, लेकिन कई बार फिर वो दिखता है कि नहीं, वो अखिलेश को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने के लिए ये सब एक्चुअल में, और उन्हें पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, समझ क्लियर कर, वो क्लियर, पुत्र मोह है या भाई प्रेम? भाई प्रेम है वो, कभी पुत्र मोह भारी पड़ जाता है, कभी भाई प्रेम जोर मार जाता है। देखिए, भाई प्रेम भी क्यों, देखिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत सेक्रीफाइस किया है, जहां तक मैं समझता हूं ये पार्टी को यहां तक लाने में शिवपाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, चाहे हम उसे आज रेखांकित करें या ना करें, पार्टी पदाधिकारी माने या ना माने, लेकिन जिस दौर से पार्टी गुजरी थी, जहां कोई नहीं था, आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसमें संगठन की क्षमता है, और संगठन क्षमता होने के नाते बहुत सारे संगठन वो आज भी चला रहे हैं, और ये जो भी सेकुलर मोर्चा वाला जो मैटर है वो इसीलिए डेंट करेगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि संगठन की क्षमता, अखिलेश देखिए बच्चा बच्चा होता है, अखिलेश जी में उतनी क्षमता अभी और उतना तजुर्बा नहीं है जितना तजुर्बा कहीं के नेताजी और यशपाल, ठीक है। देखिए, आज अनुपूरक बजट पास हो गया और विपक्ष ने वॉकआउट किया, हम थोड़ी सी चर्चा उस पर भी लेना चाहते हैं, लेकिन पहले एक दो सवाल हम तिवारी जी से लेना चाहते हैं। तिवारी जी, नेताजी की भूमिका को कैसे देखा जाए, कैसे रेखांकित किया जाए, क्या बुजुर्ग होने के नाते पूरी तरीके से हाशिए पर हैं और रहेंगे, या फिर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? एक, और दूसरा, ये जो नाम है इस पर अगर आप गौर करेंगे प्रद्युम्न तिवारी जी, तो शिवपाल यादव ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चे का गठन किया है, यानी समाजवादी शब्द भी है तो वो अपने आप को समाजवाद से जोड़ रहे हैं, और समाजवाद की जो आत्मा है कि साहब सेक्युलरिज्म, उसका भी एक शब्द इसमें डाला है।
तो क्या ये भी कोई एक अंदाजा या आशंका है कि साहब देर सवेर फिर कुछ मान मुनव्वल हो तो फिर एक बार के लिए ये मर्ज कर जाए, यानी उतना बड़ा खतरा कि बीजेपी में न जाए या बीजेपी की विचारधारा को जो चीज सूट करे वैसा नाम न रखें किसी दल या मोर्चे का, ये कर लें और सिर्फ अपना एक डिसेंट साबित कर दें तो आज कर दिया, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये चलेगा, ये कोई परमानेंट फीचर है? वैसे तो राजनीति में कुछ होता नहीं है परमानेंट, लेकिन फिर भी। और ये जो समाजवादी सेकुलर मोर्चा है, ये जो दो तीन शब्द हैं, ये कितना नुकसान आने वाले दिनों में पहुंचाएंगे? बहुत देखिए साफ बात है, जहां तक मुलायम सिंह जी की बात है, मुलायम सिंह जी खांटी राजनेता हैं और मुलायम सिंह की सूझबूझ से मतलब उनका कोई उसका कोई जवाब नहीं है, कहीं अखिलेश जी उसके उनके सामने कहीं ठहरते नहीं है। अभी अटल जी की अस्थि कलश यात्रा यहां निकली, मुलायम सिंह जी उसमें पैदल चल करके और जहां पे सभा होनी थी वहां तक मुलायम सिंह जी पैदल चल के गए। जहां तक मुलायम सिंह जी की बात है, अभी तीन दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि शायद मेरे जाने के बाद भी मेरा सम्मान होगा। देखिए मुलायम सिंह की जी वो 30 है, वो 30 अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो उन्हें सालती है, और लेकिन मुलायम सिंह जी की जो स्थिति है वो कभी भी पार्टी तोड़ने के पक्ष पर नहीं आएंगे और ना ही खुलकर शिवपाल जी के साथ में आएंगे। ये बात दूसरी है कि वो अंदर से कोई क्षय मिलने की वजह से शिवपाल जी इस तरह से 4 महीने पहले भी और अब 4 महीने के बाद भी इस समाजवादी सेक्युलर मोर्चा की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो ये भाजपा में जाने गया तो भाजपा के देखिए भाजपा की जहां तक कि भाजपा ने हवा दी, जहां चिंगारी सुलझेगी और ये राजनीतिक दल है भाई फूंक मारने में उनका क्या जाता है, वो तो फूंक मारेंगे और वो ये भी चाहेंगे कहीं गठजोड़ ना होने पाए, मायावती से ना मिलने पाए। और मुलायम सिंह की देखिए मैं बात बता दूं, जब राहुल गांधी से विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव ने समझौता किया था तो मुलायम सिंह जी ने खुलकर विरोध किया था, उन्होंने कहा था ये मोर्चा सफल नहीं होगा और समाजवादी पार्टी नुकसान उठाएगी। लेकिन जब अभी फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव के दौरान जब मायावती से समर्थन की बात आई और अखिलेश यादव ने उनसे समर्थन लिया तो नेताजी ने मुलायम सिंह जी ने एक भी बयान जारी नहीं किया। इसमें इस चुप्पी में इसके पीछे उनका अखिलेश को समर्थन था। और जब विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी में फूट पड़ी थी तब भी एक मौके पर मुलायम सिंह जी अखिलेश के समर्थन में आ गए थे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उपेक्षा हो रही थी और कहा था कि अब दोबारा जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये नेताजी को बना दें, शिवपाल ने बात कही थी, और उसके बाद में हम लोग सब एक हो जाएंगे। जब नहीं बनाया अध्यक्ष उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए खुद अखिलेश यादव। तो यहाँ पे मुलायम सिंह जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें यहाँ पर शारदा प्रताप शुक्ला एक विधायक पूर्व विधायक थे तो वो उसमें थे, उन्होंने कागज बढ़ाया मुलायम सिंह जी की तरफ। हाँ। और उस दिन ये घोषणा होने वाली थी कि नई पार्टी बनाएंगे, इन लोगों ने तय कर लिया था, लेकिन मुलायम सिंह जी ने वो कागज किनारे कर दिया तुरंत। और उसी के बाद शारदा प्रताप शुक्ला ने बयान दिया कि नेताजी खुद नहीं चाहते, अपने लड़के के फेवर में खड़े हुए हैं, पक्ष में खड़े हुए हैं और हम और शिवपाल जी की मिलकर पार्टी बनाएंगे। तो मुलायम सिंह जी की जो भूमिका है वो कतई शिवपाल सिंह यादव के साथ खुलकर जाने वाली नहीं होने वाली है। वो किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि साहब हम शिवपाल सिंह यादव के साथ जाकर के और अखिलेश को कमजोर करें। वो अखिलेश को कमजोर नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो दबी इच्छा है कि शिवपाल के बहाने फिर एक बार जो है उन्हीं का वर्चस्व कायम होगा कि शिवपाल को मनाने में अगर कोई सक्षम है इस समय तो वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी हैं, इसके अलावा कोई शिवपाल को जो है वो मनाने की स्थिति में नहीं है। नहीं है ये शिवपाल सिंह यादव ही है, जब आजम खान पार्टी से अलग हुए थे दोबारा पार्टी में वापस आए। जी क्या ये करने की जहमत उठाते हैं और अगर करते हैं तो उसका कितना असर शिवपाल यादव पर होता है, क्योंकि अब ये कोई पहली दूसरी तीसरी दफा नहीं हो रहा है, अब तो इसका एक इतिहास हो गया है चुनावों से पहले का। और ये जो उदाहरण है खेल है, ये जो रूठाबनी का खेल है उससे नुकसान भी होता है। याद होगा के शुक्ला जी और विभाजी को तो विशेषकर याद होगा कि गाड़ियां कैसे दौड़ती थी, है ना, कभी फला कालिदास मार्ग तो कभी नेताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी अखिलेश यादव मिलने पहुंचे। तो ये जो रार है ये निपट कर नहीं दे रही है और इसमें बार बार जो है वो नए घुमाव आ जाते हैं। हमें एक सवाल विभाजी आपसे करना है, फिर हम
ये जो आज अनुपूरक बजट पास हुआ चर्चा पर जाएंगे, हमें ये बताइए कि देखिए एक तो नेताजी जो अब संरक्षक की भूमिका में है, जो पार्टी को इस स्थिति तक ले आए, है ना, इसमें तो कोई दबी छुपी बात है नहीं, वो ये कंप्लेंट करते हैं कि साहब मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, और बाद में उन्होंने टिप्पणी की जैसे अटल जी को बाद में मिला वगैरह वगैरह। शिवपाल यादव की भी टीस यही है कि साहब मेरा सम्मान नहीं हो रहा, उन्होंने बयान दिया कि मैंने 2 साल तक इंतजार किया लेकिन मेरा कोई सम्मान नहीं हुआ। तो क्या पार्टी में किसी तरह का कोई अहम है, कोई अहंकार है, क्या पार्टी पूरी तरीके से बदल गई है? राजू जी, राजू जी एक मिनट। अच्छा बोलिए बोलिए सर बोलिए, सवाल हम विभाजी से लेना चाहते थे, आप बोलिए। राजू जी एक मिनट, मैं एक बात बड़ा क्लियर कर दूं कि शिवपाल जी जब भी अपनी उपेक्षा की बात करते हैं तो वो नेताजी का सम्मान ना होने की बात जरूर करते हैं, इस बात को गौर करने वाला है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अच्छा अच्छा, ये शब्द और ये लैंग्वेज और ये भाषा और ये बयान नेताजी का सम्मान पार्टी में नहीं हो रहा, ये बात वो दोहराना नहीं भूलते कभी भी, जहां अपनी उपेक्षा की बात करते हैं वहां नेताजी के जो है सम्मान की भी बात करते हैं कि नेताजी का सम्मान नहीं हो रहा। बिल्कुल, इससे अंदाज लगाया जाता है। खड़े होकर कोई काम विभाजी 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 सवाल को आंसर करिए। मैं विभाजी सबसे पहली बात, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नेता ने एक मंच से कहा था, अभी जब उनका जन्मदिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में मनाया गया था तो नेताजी ने बड़े मंच से कहा था कि अखिलेश यादव जी को मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ, वो राजनेता है और बेटा पहले है। और मैं एक चीज ये कह रहा था कि नेताजी का जो वो बार बार ये कहते हैं कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, तो उनके सम्मान का मतलब है कि समाजवादी पार्टी की सत्ता और सर्वोच्च सत्ता में हो, समाजवादी पार्टी का भविष्य हो, समाजवादी पार्टी क्या प्रगति पे हो। तो नेताजी वो सम्मान चाहते कि कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए लगा रहे और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जमीनी स्तर पे काम करे। तो नेताजी के कहने का मतलब एक ये भी है कि कार्यकर्ता अपने कार्यों से ना भटके और संघर्षों में हमेशा समाजवादी पार्टी का नाम रहा है, संघर्ष करे। तो मैं कहूँ कि नेताजी का सम्मान पूरी तरीके से है, हमेशा नेताजी का सम्मान है और पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता है उनका सम्मान है। अखिलेश यादव जी उसी कदम पे 2019 की तैयारी में लगे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में हो, सबसे बड़ा जब हम जीत कर आएंगे उत्तर प्रदेश में हमारा वर्चस्व होगा, तो यही नेताजी का सबसे बड़ा सम्मान होगा। अच्छा चलिए, अब हम थोड़ा अनुपूरक बजट की तरफ चलते हैं। हमें बताइए विभाजी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर ये कहा कि विपक्ष अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है सदन से वॉकआउट करके। अनुपूरक बजट को पास होना था और विपक्ष की गैर मौजूदगी थी, ये क्या संकेत है मैम? क्यों मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं? क्यों विपक्ष इस महत्वपूर्ण मौके पर भी वॉकआउट कर रहा है? देखिए सबसे पहली बात, जो यूपी सरकार का मुख्य बजट था वो बजट कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कौन सा विकास कार्य किया इन्होंने, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के साथ जो अत्याचार कई गुने अधिक बढ़े हैं, विपक्ष ने उस पर सवाल करने की कोशिश की, वो बार बार सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर महिलाओं की सुरक्षा पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और जो मुख्य बजट है, मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल देखे, हर जिले में जस की तस बढ़ी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं कोई कार्य नहीं हो, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बड़े बड़े इवेंट के रूप में बताया जाता है कि रोजगार आ रहा है लेकिन पूरा नौजवान हताश बैठा है। तो विपक्ष किस तरीके से इनका साथ देगा? विपक्ष केवल क्या एक विधानसभा के अंदर एक प्रोग्राम बैठा हुआ लिस्ट नहीं हुई है इनके भाषणों की, उसको सुनने के लिए विपक्ष विरोध करने के लिए जनता के हितों के लड़ने के लिए और विपक्ष अपना काम कर रहा है और योगी जी का जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है। फिर आपकी बात का जवाब लेने के लिए के शुक्ला जी के पास जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है, ये दावा है कि पिछले 15 सालों में इस प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का हाल था उससे ज्यादा अच्छी कानून व्यवस्था उनके राज में है, वो ये दावा कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि नारी सुरक्षा को लेकर ये है, महिला सुरक्षा को लेकर वो है। राजीव जी आप खुद जानते हैं कि कई गुना अधिक अपराध बढ़े हैं। यदि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री
मैं कहूंगी किसी भी पार्टी का हो, और कितनी भी रिपोर्ट आ चुकी है उसके अगेंस्ट यदि अपना ऐसा बयान देता है, झूठा बयान देता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती कि प्रदेश का मुखिया अपनी सत्ता के लालच में इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि कानून व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, जबकि कितने फर्जी इनकाउंटर इन्होंने किए हैं, और महिलाओं की जो स्थिति है, बलात्कार की जो स्थिति है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार की स्थिति है, वो कई गुना अधिक बढ़ी हुई है, ये किसी से नहीं छुपा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ऐसा बयान देते हैं विधानसभा में। अच्छा विभा जी, आपको क्या लगता है कि वॉकआउट करके क्या कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार आ जाएगा, हो जाएगा? यानी आप विरोध करिए, लेकिन विरोध तो ऐसा करिए जो असर दिखाए। आज इस तरीके से अनुपूरक बजट के मौके पर पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसका असर क्या हुआ? बजट तो पास हो गया, कोई असर नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं, इनके पास संख्या बल ज्यादा है, इसलिए विपक्ष की कोई भी आवाज, जो जनता की कोई भी आवाज विपक्ष को उठाने नहीं देंगे। ये पूरा हिटलर हो चुके हैं, ये किसी भी बात पे चर्चा करना चाहते नहीं है। तो जब इनके पास संख्या बल है, ये उसी के अनुसार पूरी तरीके से काम करते हैं, तो वहां पे जो वॉकआउट है, यही एक तरीका बच पाता है सरकार का विरोध जताने का। ये पूरी तरीके से विपक्ष की रणनीति है। मैं कहूंगी के शुक्ला जी जितना मुस्कुरा रहे हैं, जरा योगी जी को जाके समझाएं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति देवरिया से लेके लखनऊ के अंदर तक बस से बदतर है, जरा इस पे ध्यान दें, और जो ये मुस्कुराहट है इसको थोड़ी कमी करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं इनके ऊपर बड़ी आशाओं से क्या कहते हैं देख रही हैं कि कम से कम उनकी कुछ ना कर पाए, विकास ना कर पाए, तो उनकी इज्जत तो बचा पाएंगे। अब के शुक्ला जी से हम सवाल लेते हैं। के शुक्ला जी, संख्या बल में आप लोग इतना घमंड में है कि आप विपक्ष को कोई मौका नहीं दे रहे हैं, लिहाजा इनके पास सिर्फ वॉकआउट का हथियार बचता है और उसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बजट पास होना था, पूरक बजट महत्वपूर्ण मौका होता है, प्रदेश के विकास से जुड़ा है, मुख्यमंत्री वक्तव्य रखते हैं, विपक्ष के पास भी मौका होता है कि वो मुख्यमंत्री से कोई सवाल जवाब करें, है ना, ये बताएं कि कितना पैसा किस मद में गया, इसमें थोड़ी ज्यादा जरूरत थी, इसमें कम जरूरत थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये अपने नंबर्स देख रहे हैं, आप लोग अपने नंबर्स देख रहे हैं। ऐसे प्रदेश में जो विपक्ष की भूमिका है वो तो बिल्कुल सीमित हो जाएगी। उल्टा ये कानून व्यवस्था पर आप लोगों को लगातार घेरते भी हैं, जबकि मुख्यमंत्री का कथन है असेंबली के भीतर है, विधानसभा के भीतर है, कि साहब 15 साल में जैसी थी सबसे अच्छी इस वक्त है या इस बार है। देखिए राजू जी, जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष विधानसभा में गमन कर गया, बॉयकॉट कर गया, बड़ा मुझे आश्चर्य और हंसी भी आ रही थी। विभा जी कह रही मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुस्कुरा इसलिए रहा था कि विभा जी को संभवतः विधानसभा की कार्य प्रणाली का ज्ञान अभी थोड़ा कम है। विधानसभा में जब कुछ भी, जैसा आप भी कह रहे हैं, कहा जाता है तो वो सदन में नोट होता है। कानून व्यवस्था बड़ी खराब है, चलिए मैं मान ले रहा हूं विभा जी की, तो कानून व्यवस्था खराब है तो ये बात आप सदन में क्यों नहीं उठा रही थी? सदन में आके नेता बैठते, वहां इस बात को कहते, बजट में कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां आप कहते, वो नोट होता। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं और सदन में बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं, तो आपको अधिकार है कि सदन की में गलत बयान देने पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध इतना बड़ा प्रस्ताव ला सकते हैं आप कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन आज 1.5 साल के आसपास प्रदेश सरकार हो गई, ना तो कानून व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन हुआ, ना महंगाई को लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन हुआ, ना किसानों को लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन हुआ, यानी केवल टीवी सेंटर में बैठकर दुनिया भर की बातें करेंगे और जहां बोलना चाहिए विधानसभा में बहिर्गमन कर देंगे। कहने के लिए महिलाओं को लाती होते कहने के लिए उनके पास कुछ है, आप जो है केवल क्यों नहीं कर लीजिए सेंटर में बैठकर बोलना नहीं चाहते और जाकर आपको पता चलेगा प्रवृत्ति
खा गई राशन, पी गई तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। हम साल महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते थे, कानून व्यवस्था को लेकर भगवान। अरे आप कुछ करिए देखिए विपक्ष के पास। अरे पहले आजम खान जो कारण बता गए हैं शुक्ला जी, पूछ लीजिए ना तिवारी जी से। सर एक कमेंट देना चाहते तिवारी जी, हमें समझाइए कि ये क्या दिक्कत है कि टेलीविजन डिबेट में ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष अपनी बात रखता है, रखनी भी चाहिए, लेकिन अकेले डिबेट ही तो माध्यम नहीं है। विपक्ष के पास तो और भी बहुत सारे माध्यम हैं, सड़क पर प्रदर्शन, बड़ा कार्यक्रम, सेशन चल रहा है असेंबली का, उसमें अपनी बात रखना, है ना। बिल्कुल सही कहा के शुक्ला जी ने कि अगर मुख्यमंत्री किसी तरीके से सदन को मिसगाइड कर रहे हैं, कोई गलत तथ्य रख रहे हैं, तो आप प्रस्ताव ला सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में चर्चा करा सकते हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस हैं, लेकिन वो सब न करके विपक्ष कुछ दो चार चीजें ही कर रहा है और 19 का दावा बार बार कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये फिजिबल है, ये सही है, इसी से सिर्फ माहौल बनेगा? के शुक्ला जी ने यह भी जिक्र किया कि जब ये विपक्ष में थे तो कैसे करते थे, और सही है, हम सबने देखा है सेंटर से लेकर स्टेट तक, है ना, कि कैसे बीजेपी विपक्ष में धार दिया करती थी, विरोध किया करती थी। तिवारी जी, विरोध की वो धार विपक्ष में क्यों नहीं अभी दिख रही? राजीव जी बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको अभी विधानसभा की ही बात बताई जा रहा हूं। कल जो है कानून व्यवस्था के ऊपर विपक्ष की ओर से एक नियम 311 होता है, जो यहाँ की विधानसभा की नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली, उसके तहत 311 में एक प्रस्ताव लाए थे कानून व्यवस्था के ऊपर, वो बदल करके नियम 56 में कर दिया जाता है, वो कार्यस्थगन प्रस्ताव कहलाता है। जीरो आवर में उस पर जो है उसकी ग्राह्यता पे बहस होती है, उसकी ग्राह्यता पे बोला जाता है, वो चर्चा नहीं कहलाती, मतलब वो विधिक रूप से चर्चा नहीं होती। अपनी बात रखी और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी जी ने आंकड़े गिनाए, उन्होंने कहा कि इतने अपराध बढ़े हैं। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने कहा, उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी कि साहब ये है, लेकिन उन्होंने भी माना कि दहेज हत्या के मामले बढ़े हैं, लूट चोरी हत्या ये कम हुई है, लेकिन कुल मिला के जो आंकड़े आ रहे थे वो ज्यादा निकल रहे थे 2016 के बनिस्पत 2017 में। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे पे कहा कि मेरे पास ये विधानसभा की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा मेरे पास एनसीआरबी की रिपोर्ट है। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि अगर विधानसभा की रिपोर्ट में गलत अधिकारियों ने अपने आंकड़े दिए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जो बता रहे हैं उसे भी सुनना चाहिए। देखिए सदन जो होता है वो जनता की समस्याएं उठाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए होता है। 3 खरब 38 अरब से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास हुआ है, इसमें किसान, खेती किसान और अटल योजनाएं, तमाम चीजों पर बड़ा फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री आज बताने खड़े हुए थे, और जो अनुपूरक बजट होता है, ये जो मुख्य बजट होता है, उसमें विपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्ताव लाए जाते हैं। अनुपूरक बजट में ये खास तौर से व्यवस्था होती है कि जब संशोधन प्रस्ताव आते हैं और विपक्ष के नेता बोलने खड़े होते हैं तो बताते हैं कि आपने अगर इस मद में इस विभाग के लिए आपने इतना बजट रखा है, ऐसे तो जो मूल बजट था ऐसे उसमें इतना रखा गया था, लेकिन अभी उसका हम एक बहुत छोटा सा कमेंट, समय खत्म हो रहा है, उपाध्याय जी से लेना चाहते हैं। उपाध्याय जी, ये धार क्यों नहीं जी? सारे लोग इंतजार धार का कर रहे हैं कि विपक्ष, ये विपक्ष का हथियार होता है, गवाता जा रहा है। देखिए चैलेंज अभी शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा है,
कि जब देखिए ये विपक्ष में थे तो जरा सी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, कितना हंगामा सड़क पर चौराहे पर, वो दिखता था। आज पीक पर है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर विपक्ष सड़क पर आ सकता है और जनता उसको सहयोग कर सकती है। नोटबंदी जैसा एक विशेष मामला था, वहां तक विपक्ष हिम्मत नहीं कर पाया सड़क पर आने की। आज तो देखिए जनता देखती है इन सब चीजों को, जनता चाहती है कि विपक्ष उसकी आवाज बने, लेकिन विपक्ष आवाज कहां बन पा रहा है? सिर्फ टीवी चैनल्स पर डिबेट में मैं देख रहा हूं कि भी ये सब भी चिंताएं जाहिर करते हैं या विधानसभा से वॉकआउट करते हैं। लेकिन सर उससे तो कुछ होना है नहीं, जब तक जनता से आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे। देखिए लॉ एंड ऑर्डर आदि आदि बुलंदशहर में भी दो बच्चियों का रेप हुआ है, वहां भी समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे, पब्लिक साथ में भी, नेता सपोर्ट नहीं, विपक्ष सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके बाद जनता सड़क पर है। अगर मान लीजिए जनता सड़क पर है, आप जाकर उसका नेतृत्व करें, जनता और जुड़ेगी आपसे। पता नहीं विपक्ष को या तो अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। चुनावों में जनता की अदालत में जाने की जो बात कही जाती है जी, उससे पहले जनता के संघर्ष के साथ खड़े होने की जरूरत है। उस अदालत में आपको जीत मिलती है या मिलने की संभावना होती है। शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की डिबेट में आने के लिए और प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। आपसे विदा लें, उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। यूपी विधानसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास हुआ अनुपूरक बजट, सीएम ने अनुपूरक बजट को सबसे बड़ा बजट बताया, हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। शिवपाल यादव की नई सियासी पारी, समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया, अखिलेश का तंज, कहा चुनावी सीजन आते ही बढ़ने लगती है ऐसी चीजें। लखनऊ में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों का हल्ला बोल, कर्मचारियों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन करके जताया आक्रोश, कहा अनदेखी पर करेंगे बड़ा आंदोलन। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर मुंबई दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुंबई में मुकेश अंबानी से सीएम रावत ने मुलाकात की, निवेश के लिए उद्योगपतियों को लुभाने में जुटे हैं सीएम रावत। है ना,